तो महादेव। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हिमगिरी की और साथ में हमारे साथ हैं गया जी से अभी पंडित जी। तो हम जा रहे हैं पूरे हिमगिरी के प्रवास पे, तो हम मिलाते हैं आपको पंडित जी से। पंडित जी कितने दिन तक आप तीसरा चंबा में हैं, कितने दिन तक हैं आप? हमने 10 दिन रुकना है यहाँ। तो जो भी यजमान है जो गया जी गए हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं मिलने के लिए पंडित जी से, और मुझे भी कर सकते हैं क्योंकि पंडित जी के साथ हूँ आज और कल में। तो जो जो भी इच्छुक लोग हैं जरूर संपर्क करें ताकि आप गया जी से इतने दूर से भी हमारे पंडित जी से मिल सकें और इनका आशीर्वाद आप ले सकें। धन्यवाद। बंदा पहचाना अपने भाई, देखो कोई बंदा मिल गया रास्ते में मुझे आज। अपने जिला अध्यक्ष भाई साहब हिमगिरी में प्रवास में साथ में हिमालय परिवार की डोली आज हिमगिरी प्रवास में है। तो वीरू भैया भी पीछे भी से आ रहे हैं पेरेंगड़ गांव में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे पंडित जी साथ में हमारे जो कि पहुंच चुके हैं पेरेंगड़ में। इसके बाद मिलेंगे वीरू भैया, हम टिकरगढ़ के लोग मिल सकते हैं। चलिए तो यहाँ से बहुत दिन बाद सेव किसी साथ में बहुत दिन बाद नहीं, बहुत दिन तो नहीं है टूर के बाद, नहीं उस वीडियो में। हाँ टूर के बाद तो अभी ब्लॉग में। हाँ अभी हम जा रहे हैं प्रिंगड़ से वापस पंडित जी के साथ और हमारे जिला अध्यक्ष जी पूरी सेवा में हैं पंडित जी की, लग रहा है ब्राह्मणों की सेवा करें तभी फल मिलेगा अध्यक्ष साहब। अभी जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे वैसा? खंडियारू वहाँ के जो यजमान है वो मिलेंगे, बड़ी खतरनाक ड्राइव है हमारे उस्ताद जी की। ये देखिए हमारे वीरू भैया जी बिल्कुल टशन के साथ चुरा की वादियों में। हेलो बेटा, ये पेरेंगड़ के पेरेंगड़ का हाईवे ये विकास विकास की बिहार विकास की बिहार बिहार बड़े खतरनाक है, यहाँ खतरनाक रास्ता ये। हिमगिरी वैली सिद्धौड़ बिल्कुल सामने सुखदार सुखदार वो जो है पापुन बिल्कुल डाल देंगे आपकी ऊपरी डालेंगे भैया, उनके से डालेंगे, आप ही तो हमारा सहारा हो। हमारा व्हाट्सएप पे डाल देना जरूर। तो भैया जी फिर आज पूरा दिन आप फ्री हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत शानदार, बहुत ही आनंद, क्योंकि अजय भैया जी हमारे बहुत व्यस्त रहते हैं, समाज सेवी हैं और हमारे हिमालय परिवार के जिला के अध्यक्ष भी हैं। तो इनका जो है नेशनल लेवल का NGO भी है जो इनको चलाते हैं, ये समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य ये लगातार 7-8 सालों से कर रहे हैं। NGO कौन सा इनका बताइए भाई साहब? हरी ओम दोस्तों। तो अभी हम मैं हूँ सिद्धौड़ से थोड़ा सा वरेश सुखधार के बीच में। तो आज हम हैं पंडित वीरू जी के साथ, पूरा दिन सुबह से शाम हो गई है तो उनके सेवा में जो हमें लगा हूँ लगातार। तो बड़ा अच्छा होता क्योंकि जब हम भी गया जी जाते हैं तो बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा वो रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता कि वो हमारे इलाके में आए हैं तो हम भी उनका ध्यान रखें, केयर करें। तो जो भी मिलना चाहते हैं अभी 2-4 दिन यहीं हैं चंबा में, तो दो दोस्त जो साथी मिलना चाहते हैं अपने गया जी से आए हुए पंडितों से तो संपर्क जरूर करें।
वीरू भैया से और मेरे से भी कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है ऐसे ही चला गया है समझिए। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने गया जी से आए हुए पंडितों के साथ हैं, तो सार्थक ही रहने वाला है ये दिन। तो आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो लोगों को सूचना नहीं है उनको सूचना मिल सके और सभी लोग जो हैं पंडित जी से मिल सकें। और गया जी से आए हुए पंडितों के साथ मिलने का आपको ये भी है कि कभी आप, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम कभी ना कभी हमें गया जी जाना पड़ता है पिंडदान के लिए। तो कोई भी दोस्त कोई मित्र यहाँ से जाना चाहता है तो बड़े आराम से जाइए, वहाँ पर आपकी व्यवस्था खाना पीना रहना बड़े आराम से हो जाती है। और गया जी का तो महत्व आपको पता ही है पिंडदान का कितना है, कि मोक्ष को देने वाला वो पिंडदान होता है। वहाँ पर जो भी हो पितरों के लिए हम करते हैं, वहाँ पर तो मात्र अपने चरण हमारे वहाँ पहुँच जाते तो हम इस लोक से मोक्ष की ओर जाने का रास्ता जो है खोज लेते हैं। इसलिए सभी हमारे साथ जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब, महादेव। अब जा रहे हैं हम सिद्धौड़ से आगे, तो अभी हम सिद्धौड़ से जा रहे हैं, तो बड़े सारे भाई लोग हमारे यहाँ मिले थे, सबसे थोड़ा सा संपर्क कर ले। अजय जी राम राम। राम राम जी। ज्ञान भाई नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सबको। राम राम। जय श्री राम। महादेव। नाम बताओ अपना। गौरव। क्लास। थर्ड। पापा का नाम। संदीप। देखा लियो कल को सार आप। दादाजी का नाम। दादाजी का नाम बताओ। कोई मरना है नहीं। अच्छा थे देना को ना। हाँ। नहीं नहीं। वो नाम लेना दादाजी का। ठीक है। जैसे भगवान का लेते हैं वैसे देना। ठीक है। पक्का ना। दादी जी का। मम्मी जी का। ना करेंगे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तो अंत में हम पहुंच चुके हैं वापस लेसुई में। पंडित जी थक चुके हैं। थकान लग चुकी है। रात्रि भोजन और फिर विश्राम।